जोड़ पत्रकार सा आई क्यों कि हमारी कानून कार्रवाई गरीब परिवार में रोड रोड जान वान भटक दिया। कोई नहीं रहने का खाने पीने का मौका, व्यवस्था बच्चे बच्चे की पढ़ाई खराब हो चुकी है, फिर इन्हें सजा दे रहा हो। नागौर जिले के एएसआई पर एक महिला ने शादी का जासा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता को झूठा कैसे फंसाने की धमकी दी और आखिर अब पीड़िता थाने पहुंची और एएसआई समेत चार लोगों के खिलाफ पुष्कर थाने में रेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। तुम्हारे साथ गलत काम करियो और मैंने पत्नी बना रखी है 4 साल से और सन मन मारे धनी लुकेण में आज ही पति मानू बांधने और आगे मारी कानून कार्रवाई साफ कोई पूरी नहीं है। और मारा 164 का 15 तारीख का गई जी का मारे बयान भी होगा, लेकिन अब सर हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। यहाँ पुष्कर थाना वाला कह दी भाई आपकी जाँच आगे घेप रही है, पत्तों नहीं मैंने जाँच कटे। एएसआई नाना राम नागौर की गोटन पुलिस थाने में कार्यरत है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 2019 में उसके बेटे ने एक महिला के खिलाफ मेड़ता सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसी दौरान जांच अधिकारी एएसआई ने दोनों पक्षों के बीच राजीनामा करवाया था। राजीनामा कुछ दिनों बाद एएसआई ने पीड़िता घर चाय पीने आए और उससे धीरे धीरे नज़दीकियाँ बनाना शुरू कर दिया। एएसआई ने पति के बीमार होने पर गरीबी के फायदे उठाते हुए उससे रिलेशन बनाए। पीड़िता का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने शादी का झांसा देकर गलत काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान पीड़िता के पति ने उसे आरोपी एएसआई के साथ देख लिया, जिस पर पति पत्नी में झगड़ा हो गया और इसके बाद पति ने महिला को छोड़ दिया। महिला का यह भी आरोप है कि एएसआई उसे पत्नी और बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखने का विश्वास दिलाते हुए गलत काम किया। इसी बीच वह 2-3 बार पुष्कर स्थित उत्तराखंड धर्मशाला ले गया, जा कमरा लेकर उसने गलत काम किया।